शिवपुरी में दीपक शर्मा नाम के पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीज ने पड़ोसियों पर उन्हें तंग किए जाने का आरोप लगाया है। हालांकि अब इलाज के बाद दीपक की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और उनकी अस्पताल से भी छुट्टी कर दी गई है, मगर उनका और उनके परिजनों का कहना है कि वो कुछ पड़ोसियों से परेशान हैं। आसपास के लोग उनके घर पर दूध और सब्जी वालों को आने जाने से रोकने लगे हैं। ऐसे में उन्होंने घर को बेचने का निर्णय भी लिया गया है और घर के बाहर बिकाऊ होने का बोर्ड भी लगा दिया गया है। उधर पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल का इस बारे में कहना है कि जब दीपक विदेश यात्रा से आया था तो पड़ोसियों ने इस बारे में सूचना दी थी। संभव है इस कारण पड़ोसियों से कोई अनबन हो, फिर भी आवश्यकता अनुसार जांच कराई जाएगी। फिलहाल प्रशासन भी दैनिक जरूरत का सामान होम डिलीवरी करवा रहा है। वो बहुत हमको तंग कर रहे हैं, दूध वाला, पानी वाला, सब्जी वाला, सबको भगा देते हैं। कौन सा? और गाली गलौज बजते हैं और रात को जो आके गेट को खटखटाते हैं बुरी तरह दारू पी के। इसका कारण यही है कि हम लोगों इसको हमारे बच्चों को वो बीमार हो गया था वायरस। तो लेकिन जैसे जो करते हैं वो कहते हैं कि ये यहाँ से भग जाएगा तो हम दूसरे आदमी को ले दिलवा देंगे। कैसे निकले कि जिन्होंने बिल्कुल यानी कि अति कर दी, जैसे कि यहाँ पे मनी से है, ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो जाके हमारे दूध वाले से बोले आए कि भाई उनको दूध मत देना, उनकी मम्मी जी जहाँ से चलती हैं उधर से मत निकलना, वायरस पकड़ लेगा, उनके कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ पे भी चलना मत, वायरस पकड़ लेगा, उनके बर्तन मत छूना, ये मत करना, वो मत करना। हम भी जानते हैं कि किस चीज़ से बचना है, किस चीज़ से। उसके बाद में मैं हॉस्पिटल में था, सब्जी वगैरह लिया, अब आदमी जिएगा कैसे, कुछ खाएगा पिएगा, तो उस टाइम पे भी कॉलोनी में ऐसा नहीं कि हर बंदा खराब हो, लेकिन हमारे पास कुछ है ऐसे, नाम लेना किसी को पड़ी, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठाई। किसी ने बोला कि अरे मम्मी बात कर, किसी ने बोला कि है ना ये लॉक लगा रह जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो इससे क्या आदमी का मनोबल डाउन होता है और कुछ नहीं होता। मनोबल डाउन होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। देखिए मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, इस दुनिया में चाहे दोस्त हो चाहे कोई भी हो, समाज हो, कुटुंब हो, रिश्तेदार हो, सबसे पहले पड़ोस आता है। सही है, कोई प्रॉब्लम होगी सबसे पहले पड़ोस आके खड़ा होगा, लेकिन जब पड़ोसी ऐसा अपने नेगेटिव टाइप की वर्ड्स यूज करेगा तो आदमी कैसे रहेगा। सही है। देखिए इसमें दीपक शर्मा हमारे शिवपुरी में पहले कोरोना पॉजिटिव था, ये बाहर गया था और जैसे लोगों को पता लगा कि बाहर जाने वालों को संक्रमण हो सकता है कोरोना का, तो लोगों ने इसको, पड़ोसी बने जो कुछ कुछ इसके समाज के परिवार के लोग हैं, उन्होंने इसको कहा था और उस पर से इस टाइम उसके बाद में ये एक आध जगह घूमना पाया गया था जिसमें उन्होंने टेस्ट वगैरह भी किया था, जब इसका पॉजिटिव आया तो संभवतः कुछ विवाद इनका पुराना है, लेकिन बाकी इसको जो भी घर के लोग हैं इनको सारी सप्लाई वगैरह हो रही है, वो भी होम क्वारंटाइन में हैं जब ये हो गए, तो इसको और हम लोग जांच करवा ले रहे हैं कि कोई विशेष बात ऐसी है कि क्राइम की श्रेणी में आती है तो उसको और दिखवाएंगे, लेकिन चूंकि ये मरीज रहा है, इसका परिवार रहा है, और इसलिए हम उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा कि ताकि कोई इस तरह की परेशानी ना हो, तो इसको ध्यान रखें। नहीं, निश्चित तौर पर सुरक्षा है, सुरक्षा की तो कोई बात, अभी झगड़े की तो बात आई नहीं, ये एक्चुअली मैंने बताया कुछ इनकी कहा सुनी आपस में, इनके जब ये कोरोना संक्रमण पाए गए थे उसके पहले जो घूम रहे थे उस पर विवाद हुआ था पहले इनका, और उसके बाद में शायद संभवतः फिर बात कुछ होगी पड़ोसियों का है, और कोई ऐसी बात नहीं आई थी जिससे कहा जाए कि बिल्कुल इस तरह की बात है, लेकिन उन्होंने अगर बात बताई है तो उसमें जिला प्रशासन की तरफ से खाने की सप्लाई सारी चीज़ें की जा रही, और अगर ऐसा लगेगा कि कुछ कार्रवाई लीगल बनती है तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे, उसको भी जांच करा ले रहे हैं, SDOP भी वहां पे जाकर स्थिति देख रहे हैं। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।